नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदी। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में फिर से के पाठक की री एंट्री हो गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, के पाठक का शिक्षा विभाग में फिर से दबदबा कायम हो गया है। देखिए किस तरीके से पहले के पाठक जाते हैं, फिर से के पाठक आ जाते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि के पाठक की री एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि नए शिक्षा विभाग के नए ACS एस सिद्धार्थ, जो कि अभी फिलहाल शिक्षा विभाग के ACS है, के पाठक के तबादला के बाद एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के ACS बना दिया गया था। शिक्षा विभाग के ACS जो एस सिद्धार्थ है वो भी के पाठक से कम नहीं है, कहे तो वो भी दो कदम आगे हैं। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एस सिद्धार्थ बीते दिन हम आपको बता दें कि स्लम बस्ती में जाते हैं, बच्चों की खबर लेते हैं कि क्या वो सही समय पर स्कूल जाते हैं या नहीं, बच्चों के साथ साथ उनके जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे भी पूछताछ करते हैं और ये पता करते हैं कि कहाँ वो स्कूल जाते हैं, किस कितने बजे जाते हैं, क्या प्रॉपर तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। स्कूल स्लम एरिया में तो जाते हैं लेकिन शिक्षकों को भी वो नहीं छोड़ते, शिक्षकों से भी बात करने के लिए वो स्कूल पहुँचते हैं, सरकारी स्कूल पहुँचते हैं। बीते दिन हमने आपको बताया था किस तरीके से वो गर्दनी बाग के सरकारी स्कूल में जाते हैं और स्लम एरिया में जाते हैं, पूरी खबर लेते हैं, कहे तो के पाठक के डुप्लीकेट आ गए हैं फिर से शिक्षा विभाग में दबदबा बनाने के लिए। देखिए, वही डर देखने को मिल रहा है जो डर के पाठक के होते हुए था, जो डर के पाठक जब ACS थे लोगों के बीच में एक डर था के पाठक को लेके, वही डर उससे कह सकते दोगुना खौफ इस बार एस सिद्धार्थ के आने से हो रहा है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि ACS शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने 4 अधिकारी को एक साथ सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है। देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, ये जो सस्पेंड का मामला हुआ है ये आखिरकार क्यों हुआ है। देखिए, हम आपको बता दें कि बेंच डेस्क से रिलेटेड ऐसी बातें आ रही हैं कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो बेंच डेस्क के पैसे राशि को लाते हैं लेकिन उस राशि को बेंच डेस्क में ना खरीदने के बजाय अपने पर्सनल यूज में लगा देते हैं, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं की मिली भगत है इसमें और जो ये पैसे ये जो लाते हैं राशि वो अपने यूज के लिए ये लाते हैं। इसी बात पे पूरी जांच पड़ताल की गई और अब जाके 4 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है। देखिए किस तरीके से जो दबदबा के पाठक के होते हुए था, अब वही दबदबा कह सकते उससे दुगना दबदबा और खौफ लोगों के बीच में है, शिक्षा विभाग के लोगों के बीच में है एस सिद्धार्थ के आने से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।